जिकड़ी भजनों का दूसरा यानी द्वितीय दौर जारी है। गायक कलाकार बारी बारी से आकर बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें आपके समक्ष बताते हुए जा रहे हैं। चार लाइनों में कवि बड़ी सुंदर बात लिख रहा है, इस समाज तक पहुंचा रहा है। और मास्टर जी कैसे कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो चेतावनी दे रहा है। ए मूर्ख इंसान, जिस परम पिता परमेश्वर ने तुझे इस मनुष्य रूपी शरीर को देकर भेजा है, तेरा भी परम कर्तव्य बनता है उस ईश्वर के चरणों में जाकर ज्यादा नहीं कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उसकी वंदना कर, पूजा कर, याचना कर, अर्चना कर, गुणगान कर और कहना साथ में भैया जी हो रंगन की और मत मेली करियो आए पिता पुत्र और सरदारी हो सर।
संग ना जाए तेरी घरवारी, और हो जात ना परे मौत को फंदा हे, और जात ना हो जात ना हो जात ना परे मौत को फंदा हो, तो है दिखाए देगो तारे चंदा, तो है दिखाए देगो तारे चंदा, और हर को भजन काम तेरे आवे, हर को भजन काम तेरे आवे, भवसागर ते पार लगावे, भवसागर ते पार लगावे, और ले स्वर को ना, और ये एक सकल विकास राज बड़े भैया जी की तरफ से आया है, आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा और ले स्वर को नाम, लक्ष्मण कहे हजिया परवारो, हो कहनो हमारो लियो छोरी हो मतवारी ए, अरे चतुर छोरी हो मतवारी, अरे मतवारी भैया मतवारी रे बाबा मतवारी, तेरो पिया तेरो ढोला हो तेरो बलवा के बिन सुनो है संसार, अरे चतुर छोरी के। सुबह का वक्त है, बड़ी सुंदर सी कहानी। एक रोज भगवान भोले शंकर दादाजी मैया पार्वती के साथ एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। जंगल के अंदर प्रवेश किया, भगवान भोले शंकर ने देखा राजा हरिश्चंद्र अपने रथ पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए आए हैं। अर्थ में जवाब दिया कि वाही बनी में शिव पार्वती, वाही बनी में और शिव पार्वती रहे घूमत घूमत जाई है, और हरिश्चंद को देख शंभु ने ऐसे लवज, धर्मवीर और करमवीर में, धर्मवीर और करमवीर में दयावीर सुज्ञानी, और भैया दानिन में अच्छो, आज जब इतने वचनों को इतने लफ्जों को मैया पार्वती ने सुनाए, पार्वती मैया ने कहा हे भोले शंकर अगर आपकी अनुमति हो इजाजत हो आज्ञा हो तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ ये कितना सत्यवादी राजा है, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान भोले शंकर ने मैया पार्वती को आज्ञा दे दी है, पार्वती मैया राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही हैं, और कवि लिख रहा है मास्टर जी कैसे, और धर चंडाल का और भेष लटक रहे और केस रूपिया
और सोन को सोना और जब ही है जाए जब देख लिया को जर है गयो गात बदन के फट रहे कपड़ा। देखो साहब रात देख रही हूं मैं तुम्हें या पीछे के शब्द बोलते रहो ऐसे लग रही है आधार कार्ड की लाइन में लग रहे हो तुम बोलते रहे। ये प्रसंग चल रहा है और चार लाइन लिख रहा है दादाजी कभी कैसे मर गए बिन पानी कछु डूब के मर गए। और श्री कृष्ण ने खेल रचायो है और श्री कृष्ण ने खेल रचायो गेंद चली गई पानी में। और भैया गेंद के संग में धायक नहीं या तो नागनाथ दया पानी में। एक चांडालन का रूप धारण कर लिया। जब राजा हरिश्चंद्र को अपने समीप आते देखा है तो एक लकड़ी का गट्ठर तैयार किया। उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश की, अर्थ में जवाब दिया कि हाथ पांव या के सगरे कांपे, हाथ पांव या के सगरे कांपे, है गई बहुत उमरिया है और भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर लई आज। पहले ना कोई पढ़ के देखे, पहले ना कोई और पढ़ के देखे, जो विधनी को लेखो और बाबा यानी राजा आमत। मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपने समीप देखा है तो चौक में जवाब दिया, भैया भैया या किए और बाबा या किए कहूं और पेश परे ना और भैया या किए कहूं और पेश परे और या पे गठरी शीस धरे ना और या पे गठरी शीस धरे ना हो a
ये चिकड़ी का चौक चल रहा है और मेरे सभी विद्वान श्रोता बैठे, चौक की तर्ज बड़ी प्यारी है, शायद चाचा जी आपके दिल को टच करके आए। तर्ज सुनिए, तर्ज क्या कह रही है। हे और इस दिल में, हे और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। और चीर के देखे, चीर के देखे, चीर के देखे दिल मेरा, तो चीर के देखे दिल मेरा, तो तेरा ही दर्द छुपा रखा। हरिश्चंद्र के रथ को रोका, कहने लगी महाराज आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर आप मेरे शीश पर रखवा दें। क्या कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना और बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है और राजा आमत देखियो वाके आगे है गई। हाथ जोड़ के चंडालिन ने, हाथ जोड़ के और चंडालिन ने नृपते बचन उचारे, अरे भैया सुन राजा घोड़ा, महाराज आपसे बार बार विनम्र निवेदन है, इस गट्ठर को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दे। और जवाब दे रही है मराठी में, और कह रही है बुला सुन ले राजा, और इतना काम हमारा है और मेरे बोझ शीश पे और धरवाए दे मुए दे दे तनक सहारो, शीश पे धरवाए दे मुए लगवा दियो के लखनी उम्र के वारो है, तनक हाथ लगवा दियो के लखनी उम्र के वारो है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद भैया की तरफ से आया है, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बड़े भैया ने पहले भी दिए थे, फिर से 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी। और कहना भैया कैसे, हाथ लगवाए दियो कहे लखनी उम्र के वार। श्रोतजनो, जब मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया, राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो गए, मैया पार्वती के रूप को पहचाना नहीं, अर्थ में जवाब दिया कि पहल पत्त ही नट गया राजा, पहल पत्त ही और नट गया राजा, ना तेरा बोझ उठाऊंगा, और कितने मोते कह बुढ़िया ना बोझ के हाथ। जितकू राजा पाम धरे, जितकू राजा और पाम धरे, वुता उतकू ही नृपकू टोके, और बाबा ये गैल भूपकी। आज
राजा हरिश्चंद क्रोधित हो गए, आंखों में ज्वालामुखी भड़क रही है और मैया पार्वती को धिक्कारते हुए फटकारते हुए लंगड़े ढोला में जवाब दे रहे हैं। कैसे और रार बुढ़िया और काहे को मचाए रही ज्यादा भैया। और रार अबला और रार अबला काहे को मचाए रही ज्यादा हिल की तो भर भर राजा